to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Kaise hain aap sab? Umeed hai ki aap sab khairiyat se honge. हाँ जी, तो मुझे ना आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब मैं अपने डाइनिंग रूम में आप लोगों को कोई चीज़ शेयर करती हूँ या आप लोगों के साथ कुछ दिखा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मेरी डाइनिंग रूम में कुछ ऐसे पीसेस पड़े हैं जो कि बहुत यूनिक हैं. नॉर्मली आपको किसी डेकोरेशन की शॉप पर वो नहीं मिलेंगे, और कहाँ से मैंने खरीदे वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगी. प्राइस रेंजेस भी मैं ट्राई करूँगी शेयर करने का, अगर उनकी वेबसाइट पर मैं जाके नजर आ जाए या जो इंस्टाग्राम पर उनका पेज है वहाँ से नजर आ जाए तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी. तो मेरा जो डाइनिंग रूम है इट इज़ लाइक उसमें 8 वाला टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना सेंटर में कुछ डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं. तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना जिस चीज़ के बारे में, तो वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये क्या है, ये आपने कहाँ से लिए हैं और बहुत खूबसूरत हैं, और ये वाले चम्मच हमने कहीं नहीं देखे. तो वो है ये वाले चम्मच, ये आप देख सकते हैं सैलड स्पूनस हैं. और इसके ना आप यहाँ पर ये देख ले जरा, इसके ऊपर ये लकड़ी का दस्ता लगा हुआ है और ये मेटैलिक है, ठीक है, ये मेटल के बने हुए हैं. और ये फोर्क वाला स्पून है बिग फॉर सैलड, और ये नॉर्मल जो स्पून होता है फॉर सैलड है. और इसकी जो सबसे खूबसूरती है ना वो ये है, इसमें है. तो ये इसके ऊपर जैसे बहुत ही कलरफुल सा एथनिक, मैंने आप लोगों को बताया मुझे ना होम एंड डेकोर में ना सबसे जो चीज अच्छी लगती है ना वो एथनिक लगती है. मुझे बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें नहीं अच्छी लगती फॉर डेकोरेशन, क्योंकि जो एथनिक लुक वाली चीज़ होती है ना, जैसे डाइनिंग की चेयर्स भी आप मेरी देख रहे हैं वो चिनियोट वाली हैं, मेरा जो ड्राइंग रूम है उसके ऊपर भी है वो मॉडर्न कंटेम्प्ररी, बट उसके ऊपर कार्विंग जो है वो चिनियोट वाली भी मुझे ये एथनिक लुक बहुत अच्छी लगती है. तो ये बिल्कुल एथनिक लुक वाले चम्मच है, ये आपको नॉर्मली कहीं इस तरह नहीं नजर आएंगे. ये वाले चम्मच जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ मैंने खरीदे हैं द ब्रांड कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है ये कराची डॉलमन मॉल में है, और अभी क्योंकि ये मैंने बहुत पहले लिए हैं अब मुझे नहीं पता उनकी लोकेशन क्या है, वो डॉलमन मॉल में ही होंगे. उनका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मैं नीचे आप लोगों के साथ पिन कर दूंगी ताकि आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें, क्योंकि ये इतनी यूनिक चीजें ना ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. सीरियसली आपको कहीं और नहीं मिली. अब ये आप देख सकते हैं इट्स सो ब्यूटिफुल. मुझे सबसे ज्यादा ना ये चम्मच प्यारे लगते बिकॉज ऑफ ये ब्यूटी. और मैंने इस शॉप से जितने गिफ्ट लेके गिफ्ट किए हैं आपको पता नहीं है कि मैंने कितने गिफ्ट किया. अच्छा जी, पहले तो ये आपको मैंने दिखा दिया चम्मच है. इसको जो रखने के लिए चीज मैं इस्तेमाल करती हूँ दैट इज दिस ट्रे, ठीक है. ये एक अदद मेटेलिक ट्रे है जिसके अंदर ब्लैक कलर का है, और ये एक सिल्वर कलर की पट्टी गई हुई है, और ये पीछे से इस तरह का है, और इसके आप नीचे देख सकते हैं इसके पाए हैं, और उस पर जो है ये वेलवेट सी लगी हुई ताकि ये जो है ना ये स्लिप ना करे, स्क्रैच ना लगाए. और ये बहुत यूनिक चीज़ है, यानी कि आप लोगों को ये मैं बता रही हूँ ये चीज़ें ना आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलती हैं, ये एथनिक लुक वाली है. मेरे घर में हमेशा जो है ना ये इस तरह करके पड़ा हुआ होता है, मेरी डाइनिंग टेबल के ऊपर ये जो है इस तरह पड़ा होता है. मैं इसकी हुआ का लुक भी आप लोगों को दिखा दूंगी कि ये किस तरह लगता है, आप देख सकते हैं कि इस तरह करके मेरे डाइनिंग पे पड़ा हुआ होता है. इट लुक सो नाइस, सो एलिगेंट. इवन आप जो है ना इसको डाइनिंग के ऊपर रख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई और ऐसी जगह है जहां पर इवन किचन में अगर आप डेकोरेशन करना चाहें तो आप इसको इस तरह करके रख सकते हैं. ये स्पून्स बहुत प्यारे लगते हैं, बिलीव मी. आप इसको, ये फंक्शनल भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आपके घर में कोई डिनर विनर है तो आप इसको एज अ स्पून यूज कर सकते हैं. आप जहां पर सैलड पड़ा है उसके साथ यूज करें, लेकिन मैंने कभी नहीं यूज किया. मेरे पास सैलड के बहुत प्यारे प्यारे और भी स्पून पड़े. ये एक ऐसी चीज है जो मैं शायद मैंने कभी ना यूज करूं क्योंकि मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं ना. तो ये मैंने एक सेट लिया है. इसके बाद जो इस ब्रांड की जो खासियत है ना वो ये है कि इसकी चीजें, इस तरह की चीजें आपको कहीं और नहीं मिलती, बिलीव भी कहीं और नहीं मिलती. अच्छा जी, अब आते हैं सेकेंड चीज की तरफ. ये है ये वाले ट्रे. अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये वुडन का, वुड का ट्रे है. और आप लाइक ये मैंने आज से 5 साल पहले लिया है, और इस पर अभी तक टैग लगा क्योंकि धुला नहीं है. एंड उस वक्त इसकी प्राइस है 2100 रुपए, एंड आई डोंट नो कि अभी कितनी है. आप जब उनको फोन करेंगे आपको ये चीजें नजर आएंगी. अच्छा जी, मैं आपको जरा थोड़ी इसकी डिटेल बता दूं. ये जो है ये लकड़ी का है, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह जगह बनी हुई है, और ये इसके ऊपर टिश्यू पेपर्स हैं.
ठीक है, ये टिश्यू पेपर्स आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लिए, मैं खोल के पूरी निकाल दूँ, मैंने खाड़ी से ली है। और खाड़ी पे अभी मैंने इस तरह के टिश्यू पेपर्स नहीं देखे, मैंने बहुत पहले लिए थे और ये बहुत रेयरली यूज होते हैं क्योंकि दूसरा टिश्यू पेपर बॉक्स पड़ा होता है। बहुत प्यारा डेकोरेशन पीस है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर एज अ वेट जो है ना वो ये जो है ना मेटेलिक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये इसके ऊपर आती है इसको मीन्स हैवी करने के लिए। इतना खूबसूरत लगता है जब आप इसको यूज करते हैं ना ऑन लाइक डाइनिंग रूम में, या इवन आप इसको ड्राइंग रूम में यूज कर सकते हैं। इट्स समथिंग। इसमें दो कलर्स थे, एक ये सिल्वर था और एक गोल्डन था। गोल्डन मैंने इसलिए नहीं लिया, मुझे था कि गोल्डन ऐसा ना हो कि गोल्डन का कलर खराब हो जाए, दैट वॉज द मेन रीजन जो मैंने गोल्डन नहीं लिया। तो ये आप देखिए कितना हसीन है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो ये दूसरा इसका मीन्स एक है, इसके अंदर नॉर्मली भी नॉर्मल टिश्यूज भी आप रख सकते हैं, मैंने तो खाड़ी के रखे थे, आप नॉर्मल कोई भी टिश्यू इसके ऊपर रख सकते हैं। अब करते हैं बात थर्ड थिंग की, दिस इज द थर्ड वन। ये थर्ड चीज है, ये आप कहेंगे कि क्या चीज है, आप इसको चाहें तो वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं इस तरह करके, तीन तीन चार लेके, तीन लेके हैंग भी कर सकते हैं, बट ये दिस इज अ ट्रे। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी ट्रे जी, ये सिंगल पर्सन की ट्रे है और जैसे आपने इस तरह पकड़ा हुआ है उसमें एक कप ग्लास रख दिया, तो ये सिंगल, या एक कप चाय देनी होती है तो ये सिंगल पर्सन ट्रे है। और ये भी मैंने ऑब्जेक्ट से ही लिया है। आई नो द ब्रांड इज एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो चीजें ना ये यूनिक है और ये हैंडमेड है, और ये आपको, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप लोगों को कोई और पेज पता है जो इस तरह की चीजें बेचता है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आई एम विलिंग टू बाय। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत ट्रे है, आई रियली लव इट। ये सिंगल पर्सन की ट्रे है और बहुत प्यारी है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं एक और चीज पे, हाँ जी वो है ये, ठीक है। और ये जो है इट इज, एक सेकेंड, अभी इसकी प्राइस ना थोड़ी सी मिली, हाँ नजर आ गई मुझे प्राइस, ये आप देख, अब ये उस वक्त की प्राइसेस, अभी मुझे नहीं पता कि ये कितने की होंगी। ये क्या है, अब आप पॉज करके गेस कर सकते हैं नीचे, मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अगर आप लोगों ने गैस कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। ये जो है कोस्टर्स हैं, ग्लास कोस्टर्स हैं, जैसे आपके घर में ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आ गया, लाउंज में कोई गेस्ट आ गया, मेरे घर में आपको पता है आई एम क्योंकि आई एम अ फ्रीक, मुझे ग्लास बगैर कोस्टर के ना खलना शुरू हो जाता है कि ये तो निशान छोड़ देगा नीचे। इवन मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना तो आई आस्क देम कि आपके पास कोस्टर है, क्योंकि मुझे फील होता है कि कोस्टर के बगैर ना आपके घर में आप ग्लास मत रखा करें क्योंकि वो निशान छोड़ जाता है। और ये इतने हसीन कोस्टर्स हैं, इसके नीचे वेलवेट लगी हुई है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ये छह का सेट आता है और डिफरेंट प्रिंट्स में आता है, डिफरेंट प्रिंट्स में। इसकी प्राइस है उस वक्त जब मैंने लिया था इट वॉज 1950s, और इनकी सेल भी लगती है, 20% ऑफ की सेल भी लगती है। तो ये छह का सेट है और ये लकड़ी का है, ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का स्टैंड है और इसके ऊपर जो है ये छे जो है ये मेटेलिक पड़े हुए। सीरियसली ये मेरे फेवरेट चीज है, फेवरेट। जब मेरे घर में, लाइक मेरे घर में जब भी गेस्ट आते हैं ना दे आस्क मी कि ये आपने कहाँ से लिया, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। वही बात कि जी रेयरली ऐसी कोई चीज अगर आपको कहीं नजर आ जाए, ये मैंने ऑब्जेक्ट से लिए। तो अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी। हाँ आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग, और अभी तो कोई स्मोक करे तो मेरी तो सांस ही उखड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ये ट्रे मैंने ली थी लेकिन इसको कभी यूज नहीं किया गया, इट इज जस्ट अ डेकोरेशन पीस। और ये भी मेटेलिक ही है, लाइक ये इस तरह की चीजें जो गिर भी जाए तो टूटेंगे नहीं, सिवाय एक चीज के जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है ये एस्ट्रे है एंड आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, इसके पीछे कोई टैग में प्राइस भी नहीं लिखा हो, और ये आप देख सकते हैं मेरी इस पे रिंग्स लग रही है, सारा मेटेलिक है। तो ये एक अदद एस्ट्रे है। इसके बाद जो चीज के लिए सबसे पहले जो मैंने इस शॉप से चीज ली थी ना वो है मेरा टिश्यू पेपर बॉक्स। सीरियसली इट इज वन ऑफ माई फेवरेट टिश्यू पेपर बॉक्स, एंड अभी भी इसके पीछे जो प्राइस लिखी हुई है दैट इज 2100, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी इसकी क्या प्राइस है। मैं चेक करूंगी उनके इंस्टाग्राम पेज पे या उनकी शायद वेबसाइट भी होगी, नहीं हुआ तो मैं इनसे मैसेज करके पूछ लूंगी, इफ दे रिप्लाई मी तो मैं नीचे जो है ना टैग कर दूंगी कि कौन सी चीज कितने की थी। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत है ये टिश्यू पेपर बॉक्स, में जरा खोल के, ये ऊपर से मेटेलिक है जैसे ये सारी चीजें मेटेलिक है, और नीचे जो है इसकी ये लकड़ी है, ठीक है। ये इतना यूनिक है, बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं उस वक्त से सिर्फ ये बोले जा रही हूँ यूनिक है, यूनिक है, एंड वाकई ये वो चीजें जो बहुत यूनिक है। अगर आप शौक रखते हैं कि कोई चीज आपके घर में हो, और मोस्टली घरों में वो चीज ना हो, तो आपको
एथनिक चीजों के बारे में के तरफ जाना चाहिए, ये बहुत प्यारी लगती है। यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटिफुल। अभी मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, बट सीरियसली ये बहुत काम की चीज है। और ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने 2017 16 17 में सब कुछ लिया था, एंड इट इज इन डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन कराची। अच्छा जी, लास्ट बट हाँ जी, एक लास्ट ये है और इसके बाद एक और चीज़ है, वो बहुत हैवी है, वो मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी है, तो वो मैं आपको शायद वहां ले जाके दिखा दूँ। तो हाँ जी, दिस वन इट इज वेरी हैवी। इट इज, आप देख सकते हैं कि ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ पर। इस ग्लास को आई डोंट आई फॉरगॉट इस ग्लास को क्या बोलते हैं। इसके अंदर आपको मैं दिखा दूं कि इस तरह से ना वो मरकरी मरकरी ग्लास है, ग्लास है, और ये पूरा एक प्याला सा बना हुआ है, और इसके नीचे ये मेटेलिक है, ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है। एंड इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई, ये भी मैंने उसी शॉप से लिया था, एंड प्राइस मुझे याद है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। दिस वन आई बॉट फ्रॉम 5,500 रुपीज। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी वॉज विद मी, एंड आई थिंक उसने भी इसी तरह का लिया था, आई डोंट रिमेंबर, उसने कुछ और लिया था, बट दिस वन आई बॉट सीरियसली। ये बहुत खूबसूरत है, एंड जब इसकी डस्टिंग होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ डस्टिंग, ना कि मैं किसी और से कराऊँ। तो इसके अंदर जो है ना, ये मैंने इसमें डाले हुए, इसको आप एज अ सर्विंग प्लेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग। ये मेरे जो लाउंज है, सॉरी नॉट लाउंज, ये मेरे जो डाइनिंग रूम, सॉरी गलत बताया जा रही, ये मेरे ड्राइंग रूम के जो मेन सेंटर टेबल है ना, उसके बीच में ये पड़ा हुआ है, एंड ये 5,500 का था। अभी तो इसकी प्राइसेस आप लोग को मैं बता रही हूँ कि मैं चेक करके बताती हूँ। सो खैर, ये तो हाँ, एक और चीज, जब मेरे घर में फॉर्मल डिनर होते हैं तो मैं ऑलवेज यूज नैपकिन्स। मेरे पास नैपकिन होल्डर्स भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो नैपकिन्स मैं यूज करती हूँ। तो ये जो नैपकिन का सेट है, ये भी मैंने इन्हीं से लिया था, एंड मैं जरा एक अदद आपको खोल के दिखा दूं, बिल्कुल एथनिक लुक वाला है, ये देख सकते हैं आप, ये नैपकिन्स हैं और बहुत प्यारे। ये भी मैंने इन्हीं से लिया था। अब ये मैंने कितने का लिया था, आई थिंक 600 के छे थे, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद। ये मैंने 6 अदद लिए थे और ये मेरे पास पड़े नहीं, कि अभी कोई डिनर वगैरह तो इस तरह का फॉर्मल मेरा हो नहीं रहा, तो उसमें मैं यूज करती हूँ। तो ये नैपकिन जो है, ये भी मैंने इन्हीं से लिए थे, एंड यू कैन सी ये नैपकिन जो है ना, इस टिश्यू पेपर से बहुत मैचिंग है, मैचिंग मैचिंग, यू नो। तो ये जो है, ये भी मैंने इन्हीं से लिया था, और अब इनकी शॉप में है ये नहीं, क्योंकि मेरा प्लान था जनवरी में कराची जाने का और मैं क्वेटा चली गई। अब देखें, अगर मैं दोबारा कराची जाती तो मैं इस शॉप पे जरूर आप लोगों को दिखा के पूरा रिव्यू करा दूंगी कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक चीज है वो मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे इधर ला के आप लोगों को दिखा दूं, या फिर वहीं पर ले जाके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ जी, लास्ट जो है वो ये शीशा है, आप देख सकते हैं ये मेटल का है, बहुत हैवी है। फिलहाल तो मैंने इसको कहीं पर भी नहीं लगाया हुआ, और ये आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत जो है ना, ये शीशा है, इसके यहाँ पर ब्लैक कलर है और ऊपर जो है ना ये सिल्वर कलर का, और ये मुझे गिफ्ट मिला था, ठीक है। और इसकी प्राइस, लेट मी चेक अगर इसकी प्राइस यहाँ पर लिखी थी, वरना मैं आपको ढूंढ ढांड के कहीं से बता ही दूंगी कि कितने की है। लेट मी चेक, नहीं, ये देख सकते हैं कि ये हैंग भी हो सकता है। आई थिंक दिस वन, दिस मिरर वॉज ऑफ 4,000 या 5,000 रुपीज, इतना तो मुझे अब इतना याद नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मिरर है। तो ये एक अदद मिरर है जो मेरे घर में इसी ब्रांड ऑब्जेक्ट का है, एंड आई होप आप लोगों की जितनी क्वेरीज आ रही थी फॉर माई डेकोरेशन पीसेज इन माई ड्राइंग रूम, तो वो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। So sorry I never stay, overreact and just walk away.